मन करे तो आप पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि इसका सिरवा थोड़ा पतला भी अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, क्योंकि हम लोगों ने पहले नहीं डाला था ताकि खुशबू अभी अब अच्छा आएगा। ये मेरा होम मेड गर्म मसाला है, तो ये देखिए हम लोगों ने डाल दिया। अब मैं मिक्स करूंगी, 2 मिनट और इसको पकाऊंगी ताकि इसमें खुशबू अच्छे से आ जाए, और मैं धनिया की पत्ती डाल के बंद कर दूंगी। तो बताइए रेसिपी आपको कैसा लगा, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग ने सुसुम पानी से इसको साफ़ कर लिया है, और कितना क्लीन हो गया है, कितना साफ़, कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही करके इसी प्रोसेस से हम लोगों ने सारे गोरी को साफ़ कर लिया था। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी ट्राई करें। जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन्हें बना के खिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत टेस्टी भी लगता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा गॉड का लेग था, शुरू में हम लोग ने 15-16 पीस मंगाए थे, फिर हम लोगों ने बाद में फिर और 15-16 पीस मंगा लिए। टोटल मेरा 30-31 के करीब में है। तो मैं उसके लिए प्याज लूँगी, 30 पैर के लिए इतना प्याज काफ़ी है। तो मैं इतना प्याज को छील के और काट के आपको दिखाती हूँ। ये हैं मेरे 8-9 प्याज हैं, मैं इसको अच्छे से क्लीन करके और मैं वॉश करके काट लूँगी, फिर मैं आगे की प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने क्लीन कर लिया था मटन पाया के जो गॉट लेग होते हैं उनको, और मैं आज बना रही हूँ ढेर सारा पाया। ये मैंने कैसे क्लीन करना है इसका वीडियो पहले ही डाल दिया है, तो पहले आप वो देख लें कि क्लीन कैसे करना है, उसके बाद आप बनाना स्टार्ट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि ये मैं हेल्दी के लिए बना रही हूँ और ख़ासकर मैं अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और इसमें मैं प्याज को और मिर्ची को और जो थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए मैं तेज़ पत्ते को लाल कर रही हूँ। आप देख सकते हो थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तब मैं इस पायो को डालूँगी, और पाया फिर डाल के नमक डालूँगी। तो आप देखते रहे वीडियो और आप ये सारा प्रोसेस देखिए, और बहुत ही हेल्दी है, मैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को कैरी करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको ये रेसिपी भी मिल सके और इसके फ़ायदे भी जान सके। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। मैं सेकेंड स्टेप पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना पे भी डालिएगा तो हो जाएगा, लेकिन कलर थोड़ा अच्छा आने के लिए थोड़ा और ब्राउन करना है इसको, देख सकते हैं आप। और इसको डालने से ऑयल रिलीज होता है, इसलिए मैंने पहले कम डाला है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और हम अपने ये जो पाया है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए मसाले बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये हम लोग हेल्दी बना रहे हैं, तो इतना काफ़ी है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं थोड़ा सा डालूँगी टर्मिक पाउडर, डैट मीन्स हल्दी, ये मतलब हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हल्दी का कलर कुछ ज़्यादा पीला अच्छा नहीं लगता है। और मैं डालूँगी, अब डालूँगी ये जो रेड चिली पाउडर है, यानी लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए 1 टीस्पून है, ये भी हम लोग कम डाल रहे हैं। और ये देखिए धनिया पाउडर है 2 चम्मच भर के, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ज़ीरा, दोनों मिक्स ही है इसमें भी। और अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसी वक्त, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग प्याज फ्राई किए थे और जो हम लोग मसाला निकाल के रखे थे वो डाल दिए हैं, सब जिंजर गार्लिक के जितने भी हमारे मसाले थे पाउडर फॉर्म में, मैंने सब उसको डाल के और अच्छे से मिक्स कर दी। थोड़ा सा प्याला में पानी डाल के वही मसाला जो लगा था वो मैं डालूँगी, और इसको बहुत ही अच्छे से भूनूँगी।
सा कश्मीरी मिर्च डाल देंगे कलर के लिए, ताकि रेड कलर बहुत ही खूबसूरत कलर है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा अभी कश्मीरी मिर्च भी डाल देती हूँ। डाल के मिक्स करके मैं इसको 10 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा दिखने लगा देती है। और ये देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है, थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। मसाला अभी भी भून रहा है, अभी थोड़ा कच्चा का स्मेल आ रहा है। और बहुत अच्छा, जब तक खुशबू ना आने लगे तब तक और पकाएंगे इसको। और फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूंगी कि ये जो प्याज है वो हमेशा जो है वो लंबे लंबे काट के ही ब्राउन करें, क्योंकि वो ग्रेवी में जब आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बारीक काटने से क्या होता है कि सब मैश हो जाता है, और मिक्स होने के से चलते मतलब उतना अच्छा मुंह में फ्लेवर नहीं आता है, लेकिन ऐसे डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप लंबे लंबे प्याज को ही ब्राउन करें, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 5 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा मसाला सटने लगा है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के भूनूंगी। और ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दी, अब मैं और डाल और अच्छे से भूनती हूँ। और फिर मैं आगे की आप 5 मिनट बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे भूनने के बाद। और ये देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट होने के बाद मैं सोची कि थोड़ा मटन मसाला भी डाल दूँ, तो मैं थोड़ा सा डालूँगी, 1/2 पैकेट में डालूँगी मटन मसाला, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए मैं डाल दी, ये अब मैं भून रही हूँ। आप 5 मिनट बाद ही डालें जब आधा मसाला भून जाए, ताकि इसका खुशबू अच्छे से आए, पूरा स्मेल इसका ख़त्म ना हो। और ये देखिए मैं अच्छे से इसको और भूनूंगी 3-4 मिनट। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा 10 मिनट पूरा हो चुका है। ऑयल आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिलीज हुआ है, इसी से पता चल रहा है कि मेरा मसाला कितने अच्छे से भुना है। और आप ये देखिए बहुत ही टेस्टी भी दिख रहा है, अभी से ही बहुत कलर अच्छा आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने से। अब मैं डालूँगी इसमें अपने जितने भी पाए हैं वो। और फ्रेंड्स ये देखिए जो मेरा पाया है मैं इस सबको डालूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 तरह के हैं, ये देखिए जो ये हैं बड़े वाले, ये जो बड़े वाले हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स जो बड़े वाले थे मैंने वो आगे के वो मैंने सारा डाल लिया है मसाले भून करके। और जो थोड़ा सा छोटा वाला है इसमें ज़्यादा सीटी लगाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा सीटी लगाना पड़ेगा इसलिए हम इसको पहले डाले हैं। और जिसमें कम सीटी लगाना पड़ेगा उसको हम लोग बाद में डालेंगे। वो देख सकती हैं आप यहाँ पे है, मैंने गलती से 1-2 पीस डाल दिया था, फिर मैंने उसको निकाल लिया है। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी हाई फ्लेम पे, और भून के फिर मैं पानी डाल के उसको गलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स और हम लोगों ने भून लिया है, 2 मिनट हम लोग भुने हैं। और इसको अच्छे से उतना चलाया नहीं जाता है, बनता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है अभी। तो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, 2 मिनट और भूनूंगी। टोटल हम लोग इसको 4-5 मिनट भून लेंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स इधर फिर ऑयल रिलीज होने लगा, और अब हम डाल देते हैं पानी बहुत अच्छे से। हम लोग ने 4 मिनट तक भून लिए इसको, तो ज़्यादा पानी ना डालें, फिर भी अंदाज से डालें। मैं इस कटोरे से थोड़ा सा मैंने पानी को बचाया है और डाल रही हूँ, डाल के मिक्स कर दें। नमक और हम लोग ने पहले ही डाल लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या इस वक्त टेस्ट भी कर सकते हैं, कम लगे तो डाल दें, हम लोग को ठीक लगा। तो मैं फ्रेंड्स मैंने पानी को पूरा डाल दिया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था, और मेरा नमक भी परफेक्ट है। तो मैं अब लगाऊंगी इसमें ढक्कन बंद करके सीटी। और ये देखिए फ्रेंड्स अब लगा रहे हैं ढक्कन, और इसके ढक्कन को लगा लेंगे। लगा लिए हमने अपने ढक्कन को, और ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग ढक्कन लगा दिया, फ्लेम को हाई कर दिए हैं, और इसको 4-5 सीटी आने तक वेट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स 2 सीटी मार दिया है,
दो सीटी लग गए हैं, तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। देख सकते हैं, मैं आप देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब मैं कम पे इसको पकाऊंगी और वेट करूंगी 4 सीटी आ जाए कम करके, क्योंकि हाई फ्लेम पे तो आएगा ही, लो फ्लेम पे 5 सीटी आ जाए तब अच्छे से गल जाएगा और इसका सीरा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, जो छोटा वाला है उसको मैंने नहीं डाला, बड़े वाले के गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, छोटा वाला को कम टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले बड़े वाले डाल दिए हैं। अब डालूंगी छोटे वाले, जब 5 सीटी मार जाएंगे तब मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा 5 सीटी आ गया है, तो मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं डालूंगी जो छोटा वाला छोटे साइज़ का पाया है उसको, अभी वो पूरी तरीके से गला नहीं है, मैंने अभी आधा ही गलाया था उसको ताकि ये भी साथ में गले। और मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैं इसको गलाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और नमक डाल देते हैं और फिर मैं इसको गलाऊंगी। अब मैं इसको 8 से 10 सीटी गलाऊंगी ताकि प्रॉपर दोनों अच्छे से गले। अब मैं इसके फ्लेम को बंद करती हूँ, हाई फ्लेम को करके फिर अब हम लोग मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा इसको पानी को भूनने देते हैं और भून के तब हम लोग गैस को बंद, ये कुकर के ढक्कन को बंद करके गलाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 1 चम्मच और नमक डाल देते हैं क्योंकि हम लोग ने पानी डाला है तो ये मेरा कम हो जाएगा नमक, इसलिए मैं डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब मैं गलाऊंगी इसको ढक्कन बंद करके, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले। और मिक्स हो गया मेरा, अब मैं बंद कर लेती हूँ ढक्कन को, फ्लेम को हाई ही रहने दे। अच्छे से कुकर को बंद कर, और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कुकर को अच्छे से बंद करके मैं 10 सीटी और लगा लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, 10 सीटी हो गए हैं भी और इसके भाप भी निकल गए हैं, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। वाह माशाल्लाह, ये देखिए क्या कलर आया है इसका, और देखिए इसमें कितना रोगन छूट गया है, ऑयल बहुत ही अच्छे से छूट गया, इसलिए हम लोग ने ऑयल कम डाला था। अब मैं धनिया के पत्ती से गार्निशिंग कर दूँगी। अब खाने के लिए रेडी हो गया है, मन करे तो आप पानी और डाल सकते हैं क्योंकि इसका सिरवा थोड़ा पतला भी अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला क्योंकि हम लोगों ने पहले नहीं डाला था ताकि खुशबू अभी अब अच्छा आएगा, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। तो ये देखिए हम लोगों ने डाल दिया, अब मैं मिक्स करूंगी 2 मिनट और इसको पकाऊंगी ताकि इसमें खुशबू अच्छे से आ जाए। और मैं धनिया की पत्ती डाल के बंद कर दूँगी। तो बताइए रेसिपी आपको कैसा लगा, कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।